सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान भरने का, तो देखना फिजूल है कद इस आसमान का। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो कभी गिरने का खौफ नहीं रखते। आज का पंचांग 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 7:46 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 3:40 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर ही रहेंगे। कुंभ राशि 26 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार, आपकी सोचने की तरह यह सुझाव भी बहुत ही उत्तेजक है। अपने घर के सुधार को वास्तु नियमों के अनुसार आवश्यक बनाना आपके जीवन को स्थिर और समृद्ध बनाए रख सकता है। रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ना आपके मन को शांति और संतुष्टि का अनुभव कराता है। यह आपको नए विचारों और दृष्टिकोण की ओर ले जाएगा, जो आपके व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद कर सकता है। अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और शक्ति बढ़ती है जब आप अपने मन को शांति प्रदान करती हैं। विदेश जाने की संभावनाएं प्राप्त करना बहुत ही रोमांचक और उत्तेजक हो सकता है। यह आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है और आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाने में मदद कर सकता है। इन सभी पॉजिटिव आवश्यकताओं के साथ आप अपने जीवन को संतुष्ट, समृद्ध और उत्साहित तरीके से जी सकती हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप इन सारे अवसरों को सही तरीके से उपयोग करें और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से बचना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नई बातों पर ध्यान देने के लिए अपने मन को खोलना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर में नए और स्वार्थपरक दिशाओं को खोल सकता है। नए लोगों से मिलने के माध्यम से आप अपनी नजरिए को बदल सकते हैं, जो आपके जीवन को और भी रोचक बना सकता है। दूसरों की बातों को महत्वपूर्ण रूप से सोच समझ कर सुनना और समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। करियर में महिलाओं को अपनी क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारियों का सामना करना होगा। यह सही है कि समाज में अभी भी कई स्थान पर महिलाओं का समर्थन और समानता की कमी है, लेकिन समर्थन और अधिकार के लिए लड़ना महत्वपूर्ण है। वैवाहिक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव बहुत परेशानी का कारण बन सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि संवाद और समझौता हर समस्या का समाधान हो सकता है। संबंधों में संवाद और सहयोग सभी मुश्किलों को पार करने में मदद आज कर सकता है। आज किसी भी महंगी चीज की खरीदारी से पहले नवीनीकरण कर लें। अपने निजी वित्त में संतुलन की तलाश करें। अभी आप अपने साथी या मालिकों से संबंधित कोई बुरी खबर भी सुन सकते हैं। यात्रा में देरी या उसके रद्द होने की भी उम्मीदें हैं। अब आपको असाधारण अवसरों की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने जीवन में बढ़िया मार्ग चुना है, जो आपको सराहना और अलग पहचान दिलाएगा। सही और सकारात्मक लोगों से बातचीत से सहायता मिल सकती है। कमजोर व्यक्ति मौके का इंतजार करता है, किंतु बलवान व्यक्ति अपने मौके खुद बनाता है। सावधानियां। आज आप अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखें। मेडिटेशन और ध्यान का अभ्यास करें महत्वपूर्ण रहेगा। गुस्सा और चिड़चिड़ापन वास्तव में परिवार के संगठन को प्रभावित कर सकते हैं और उसकी व्यवस्था को खराब कर सकते हैं और उनकी अवस्था को खराब कर सकते हैं।
इसीलिए अच्छी प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क में रहना महत्वपूर्ण होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपको अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। आपका परिवार आपके लिए सब कुछ है, लेकिन जीवन साथी को नजरअंदाज भी ना करें। अपने साथी को खुश रखकर आप भी खुश रहेंगे और इसके लिए आपको कुछ अधिक करने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आप पार्टी के मूड में हैं। प्यार के रिश्ते में समझौता करना और दूसरे के पसंद के अनुसार अपने आप को ढालना प्यार का सबूत है। इससे आपके पार्टनर को भी खुशी मिलेगी। आपका रोमांटिक जीवन अति उत्तम है और आज कुछ अंतरंग क्षण भी मिल सकती हैं। अगर साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश आज खत्म होगी। आज आप बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे, जहां आपको अपनी संभावित दोस्त या पार्टनर भी मिल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नए दोस्त बनाने के बाद अपने पुराने करीबी दोस्तों की उपेक्षा न करें। आज नए संबंध बनाने का भी दिन है, आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आज नए संबंध, नए दोस्ती या नए पार्टनरशिप की शुरुआत भी हो सकती है। बात करती है करियर की। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेहतर संचार कौशल आपके लिए अनगिनत लाभ लाएगा। सही संचार कौशल से आप अपने व्यापारिक और व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमानी से संचार कौशल का उपयोग करना आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा और आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में सुधार आएगा। आपका व्यावसायिक जीवन आज शीर्ष स्थल पर होने वाला है, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता की दिशा में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और आपकी मजबूत ज्ञान युक्त और विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। अपने विकल्पों को विचार पूर्वक और विवेकपूर्णता से समीक्षा करना आपको सही दिशा में ले जाएगा और आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। आज भी धन या अपने कीमती सामान को लेकर आप थोड़े चिंतित हो सकती हैं। किस्मत आज आप पर मेहरबान है और जल्दी ही आपको कई सुनहरे मौके भी मिलने वाले हैं, जिससे आप धन अर्जित कर सकती हैं या योजनाएं बना सकती हैं। पिता या शिक्षक के लिए समय संकट भरा हो सकता है। करियर और यश के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। आज आपको किसी बड़े औषध की जरूरत नहीं है। अपनी समस्याओं को हल जरूर करें। आपका जीवन इस समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपकी हर इच्छा पूरी होती दिख रही है और आपको पहचान मिल रही है। इससे मैं अपने दिमाग के सुने और सही लोगों से बातचीत से भी आपको मदद मिलेगी। आपका मन किसी धार्मिक कार्य में भी लगेगा। व्यापार में आपको कुछ नए लोगों से भी मेल जोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप किसी काम को लेकर नई दिशा में जा सकती हैं। परिवार के लोगों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने शत्रुओं को आसानी से मात भी दे सकती हैं। बात करती हैं सेहत की। आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हैं। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, आपके काम में सुधार और सफलता में मदद कर सकती हैं। फिटनेस कार्यक्रम में शामिल होना और बोरियत से बचने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। किसी के साथ यात्रा करना या टहलने जाना भी मनोरंजन से भरपूर हो सकता है और आपको अच्छा महसूस भी कराएगा। ऐसे संवाद में शामिल होना आपकी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है और आपको आनंद और खुशियों का अनुभव भी कराएगा। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।